जब ट्रैक्टर से कट नाग की हुई मौत तो नागिन ने जो किया सभी लोग दंग रह गए। पंजाब के एक गांव में पागल हुई नागिन ने ऐसा कहर पूरे गांव पर बरपाया जिसको आज तक यहां के लोग भूल नहीं पाए। एक इच्छाधारी नागिन इंसानी दुनिया से अलग रहती है, जरूरत पड़ने पर ही वो इंसानी रूप धारण कर मनुष्यों के बीच में आती है। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात नाग नागिन के लिए विशेष होती है। इसी दिन एक नागिन अपने नाग मणि को प्रकट करती है। दोस्तों, नागिन से जुड़ी एक सच्ची दास्तान हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ सालों पहले की बात है, पंजाब के गांव में एक नाग नागिन का जोड़ा घूमता घूमता आ गया। गांव में जब उन्हें कोई भी जगह सुरक्षित नहीं लगी तो वो खेतों की तरफ मुड़ गए। उसी गांव में एक सूरज नाम का व्यक्ति ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर रहा था। उसी खेत की तरफ ये नाग नागिन का जोड़ा भी बढ़ रहा था। जहाँ नाग दाईं तरफ तो नागिन बाईं तरफ चल रही थी। तभी नाग अचानक सूरज के ट्रैक्टर के नीचे आ गया। सूरज को पता भी नहीं चला कि उसके ट्रैक्टर के नीचे एक नाग आया है और मर गया। उधर नागिन को लगा कि सूरज ने जानबूझ के उसके नाग को मार डाला। सारी घटना देख नागिन का गुस्सा सातवें आसमान में था। नागिन तुरंत अपने मृत नाग के शरीर के पास पहुंची और अपना सर जमीन में पटक पटक के खुद को मारने का प्रयास किया। काफ़ी देर तक नागिन अपने नाग के पास बैठी रोती ही रही। कुछ ही देर में उसी जगह से सूरज अपना ट्रैक्टर चला के निकल रहा था। मौका पाकर नागिन ट्रैक्टर के पीछे वाले हिस्से में चढ़ गई और ट्रैक्टर के साथ ही सूरज के घर पहुंच गई। दोपहर का समय था और सूरज घर खाना खाने के लिए पहुंचा था। जैसे ही सूरज ट्रैक्टर से नीचे उतरा तो नागिन ने तुरंत उसके पैर में डस लिया। सूरज को जमीन में पड़ा देख उसकी पत्नी और बच्चे रो रो कर जोरों से चिल्लाने लगे। परिवार का हर सदस्य वहां पहुंच गया। नागिन फन फैलाए गुस्से में सूरज को ही देख रही थी। वो किसी को भी सूरज के पास आने नहीं दे रही थी। धीरे धीरे जहर सूरज के शरीर में फैलने लगा। थोड़ी देर बाद सूरज ने वहीं दम तोड़ दिया। गांव और परिवार वालों ने लाठी डंडे सभी कुछ दिखाकर नागिन को वहां से भगाने की कोशिश करी, परंतु नागिन टस से मस नहीं हुई। जब कोई भी तरीका और उपाय काम नहीं करा तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि इस नागिन को जलाकर ही मार डाला जा सकता है। इसके बाद इसे किसी सुनसान जगह में दफनाओ। लोगों ने उस बुजुर्ग की बात सुनी और वैसा ही किया। नागिन के आसपास पेट्रोल डाल उसे जला दिया गया। नागिन के मरने के बाद उसे सुनसान जगह ले जाकर दफना दिया गया। तब जाकर कहीं सूरज के पास उसका परिवार जा पाया। परंतु आज भी लोग उस घटना को याद कर डर जाते हैं, क्योंकि उस दिन वो नागिन इतने गुस्से में थी कि वह सभी को जान से मार देना चाहती थी, परंतु बुजुर्ग की सही राय से लोगों की जान बच पाई।